हाँ जी, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाँ जी, हाँ फिल्म में तो कुछ इंडिया को सावधानी के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत अच्छा मैसेज था ये वाले एपिसोड में कि यू नो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और ड्रग्स और ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो सबसे ज़्यादा जो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप तो उन पर भरोसा करते रहते हैं, तो उनके साथ तो एक विश्वासघात भी कर रहे हैं उनके भरोसे पर और अपनी खोखली आदतों की वजह से जो आगे कहीं आपको कुछ लेने जाती है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि मस्ती नहीं करनी चाहिए, हम सब यंग लोग हैं, हमें मज़ा करना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, पार्टी भी करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी हद पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम माँ बाप के लिए भी अच्छी मैसेज है कि आप ज़्यादा सख्ती से नहीं रहें और दोस्त बन के रहें, ताकि जो भी बच्चे हैं आपके वो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकें, यू नो, तो वो कुछ भी है तो आप यू नो एक दूसरे से शेयर हो सकता है कि ये बेटा है या बेटी है, सही है गलत है। और फिल्म में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जब मुझसे पूछा जाता है कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सो मैं कहता हूँ कि आई डोंट थिंक यूथ को हम कोई मैसेज दे सकते हैं, जैसे मैं भी यूथ हूँ 28 साल का हूँ, हमें सब पता है बिकॉज गूगल और ये सब चीज़ों से हमें सब कुछ पता चल जाती है, लेकिन देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो मतलब मुझे सब कुछ पता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, का मतलब ये नहीं मुझे सब कुछ आता है। तो इसीलिए आप बुज़ुर्गों से जो एक्सपीरियंस है वो भी एक चीज़ होती है, सो आई थिंक जस्ट दैट इज़ द थिंग। अदरवाइज़ तो आजकल की जो युवा है, मतलब मुझसे जो 10 साल छोटे हैं, 16-17 साल के लोग होंगे, वो मुझसे भी कई आगे हैं, और उनसे जो 10 साल छोटे होंगे वो 5-6 साल की उम्र में आप देखिए अभी बच्चे आईपैड से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सो ये तो हर 10 साल में होने वाला है। बिकॉज क्या है कि क्योंकि टीवी बहुत आकर्षित करती है लोगों को और टीवी बहुत इन्फ्लुएंस करती है लोगों को और टीवी का इफेक्ट बहुत होता है, बिकॉज इतने लाखों करोड़ों लोग ये सब टीवी देखते हैं, ये सब शोज़ देखते हैं, रियलिटी शोज़ हो गए या सोप शोज़ हो गए, और तो आसान हो जाता है उन तक पहुंचना, क्योंकि मैं अगर शहर से शहर जाऊंगा मैं मैक्सिमम 1,000, 1,500, 2,000 लोगों से एक वक्त पे मैक्सिमम 10,000 लोगों से मिल पाऊंगा, तो इसके ज़रिए मैं काफ़ी लोगों तक पहुँच सकता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ और जो हम दिखा रहे हैं अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वो ज़रूर, मेरी उम्मीद ये है कि वो ज़रूर फिल्म आके देखेंगे, तो आसान हो जाता है। ऑनेस्ट तरीके से हम हर शो में जा रहे हैं और जब लोगों से भी मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बिल्कुल ज्ञान वचन वाली फिल्म नहीं है सबसे पहले, बिकॉज आज भी हिंदुस्तान में लोग सिनेमा घर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कोई ठीक ठाक मैसेज दे देते हैं हंसते, यू नो हंसते बोलते, तो आई थिंक हमारी वही कोशिश है, और एक ऑनेस्ट फिल्म है। इस फिल्म में आपको सडनली एक आइटम नंबर और वो सब नहीं देखेगा, जैसे राजू हिरानी साहब की फिल्में होती हैं सिंपल स्वीट, या जैसे अभी क्वीन थी कि यू नो एक आम इंसान को अगर एक प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उसके साथ क्या होगा, तो नॉर्मल चीज़ें ही करेगा, नॉर्मल बातें ही करेगा, और उससे भी गलतियाँ होंगी, बस उस पर ये फिल्म। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.